ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल का खाना खाने के बाद 100 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। आर्यन रेजिडेंसी और लॉयड हॉस्टल के छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों की हालत खतरे से बाहर है। नॉलेज पार्क थाना इलाके की ये घटना है। तो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं छात्र, हॉस्टल का खाना खाने से बीमार पड़े और उसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाना पड़ा। फिलहाल सभी छात्र खतरे से बाहर हैं। 100 छात्र ऐसे बताए गए जिनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। तो बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग का ये शिकार हुए, फूड पॉइजनिंग की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। सभी छात्र खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी क्या ताजा अपडेट खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये घटना शुक्रवार देर रात की है, जब छात्र अपने हॉस्टल में से बैठे थे खाना खाने, और आर्यन रेजिडेंसी और लॉयड हॉस्टल के ये पूरा प्रकरण है, जहां पर छात्र खाना खाने बैठे थे और इस दौरान खाना खाने के बाद एकाएक तकरीबन 100 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई और आशंका जताई जा रही है फूड पॉइजनिंग को। इसको लेकर जब हॉस्टल मैनेजमेंट को जानकारी हुई तो नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी जो छात्र हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन अब पुलिस के अधिकारी जब मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारियों को इस बाबत जानकारी हुई है। उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का जो लेटेस्ट अपडेट है उनके मुताबिक अभी जो छात्र हैं वो सभी सेफ हैं, सभी खतरे से बाहर हैं और सभी सुरक्षित हैं। जी जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। गाजियाबाद में दो नकाबपोश बदमाशों ने पिज्जा की दुकान से तमंचे के बल पर करीब 27,000 की लूट की। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की ये घटना है। और अगली खबर गोंडा से है, जहां पर कटरा रेलवे स्टेशन पर काम कर रही पोकलैंड मशीन में आग लग गई। कोयले को ट्रक में लोड करते वक्त यह आग लगी है। देखते ही देखते पोकलैंड मशीन धू-धू कर जलने लगी। ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ियों से कोयले को उतार कर स्टोर किया जाता है और ट्रकों के जरिए अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। इसी दौरान कोयला लोड करते वक्त आग लगी। आग लगने के बाद पहले जेसीबी से मिट्टी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। काफी देर के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वाराणसी की मिर्जा मुराद थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 2.5 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 1.25 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जो ओडिशा से तस्करी कर गांजे को कानपुर लेकर जा रहा था। कमिश्नरेट वाराणसी में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कल थाना मिर्जा मुराद की पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय सफलता प्राप्त की गई है। इसमें कल एक ट्रक आ रहा था जिसमें गांजा छिपाकर लाया जा रहा था। ये ट्रक वाराणसी शहर से आ रहा था और कानपुर में इसकी अनलोडिंग हो रही थी। तो इस ट्रक में जब चेकिंग की गई, मुखबिर से ये सूचना मिली थी और खजूरी चौकी के पास पुलिस द्वारा इसकी चेकिंग की गई, तो इसमें एक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम है पंकज शुक्ला, पुत्र रमेश चंद्र शुक्ला, जिला उन्नाव। फर्रुखाबाद पुलिस ने 3 तस्करों को 4.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से करीब 1.5 करोड़ की अफीम बरामद की गई। जहानगंज पुलिस को ये कामयाबी मिली है। इनमें से 2 तस्कर झारखंड के रहने वाले बताए गए हैं। फतेहगढ़ पुलिस की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और साथ में जहानगंज पुलिस ने मिलकर एक अफीम का खेप पकड़ा है, जिसमें 4 किलो 550 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए गए हैं मौके से।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।